पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, केरल के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में कई जगह पर हल्की से भारी बारिश। मानसून की गति धीमी पड़ने के बीच राजस्थान के बीते 24 घंटे में कई जगह हल्के से मध्यम तो एक दो जगह भारी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी की चपेट में है, जहां सबसे अधिक तापमान फलोदी में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में अनेक जगह मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम व भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश झालावाड़ के पचपहाड़ में 103 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कुछ अन्य इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पी के साहा ने बताया कि मौसम का ये पूर्वानुमान शनिवार सुबह तक के लिए वैध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जून में अब तक सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हुई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।